Good morning, students. In our previous lecture, we had a discussion on chemical properties of elements of group 17. Today, we are going to take another topic, that is intrahalogen compounds. Students, अगर intrahalogen की बात हम लोग करें, बेटे, these are set of those compounds which are obtained when one in halogen get reacted with अदर हैलोजन. मतलब बेटे, जब एक हैलोजन जो है दूसरे हैलोजन के साथ रिएक्ट करती है तो उससे जो सेट ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं उनको कलेक्टिवली हम लोग इंटर हैलोजन कंपाउंड बोलते हैं. जैसे मैं आपसे बात करूं कि मान लो बेटे, आपसे हमने कहा कि Cl2 इफ इट इज रिएक्ट विद F2 हियर देन ए कंपाउंड बेटे अब फॉर्मूला ClF इज ऑब्टेन हियर. बेटे, ये जो कंपाउंड मिला हुआ है क्योंकि इट इज ऑप्टेन थ्रू द इंटरेक्शन, दैट इज रिएक्शन बिटवीन टू हैलोजन्स, वन इज Cl2 एंड अदर इज F2, सो बेटे दैट कंपाउंड शुड बी कॉल्ड एज इंट्राहैलोजन कंपाउंड. बेटे, अब बात करें आपसे कि इंट्राहैलोजन कंपाउंड कितने तरीके के हो सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट्राहैलोजन कंपाउंड. अगर इस पर बात हम आपसे करना चाहें तो पता बेटे, जब एक हैलोजन दूसरे के साथ कंबाइन करती है, जब वो रिएक्ट करती है, तो जो बेटे कंपाउंड वो बना सकती है उसको जनरली हम लोग XX-N लिखते हैं. मतलब जो N की वैल्यू है, मे बी बेटे 1, इट मे बी 3, इट मे बी 5, इट मे बी 7. मतलब अगर आप इसको वैल्यू पुट करो तो बेटे एक बन जाएगा XX-, दिस इज XX-3, XX-5 और XX-7. अगर बेटे एन की वैल्यूज आप पुट करिए तो आप डेफिनेटली आपके पास ये इस कंपोजिशन के बेटे फोर कंपाउंड मिलेंगे. इन कंपाउंड को कलेक्टिवली बेटे हम लोग इंट्राहैलोजन कंपाउंड बोलते हैं. बात आपसे करें तो जिसमें एक्स जो हमने लिखा है, इट इज हैलोजन ऑफ बिगर साइज एंड X- इज द हैलोजन ऑफ स्मॉलर साइज. इफ X इज बिगर इन साइज, नो डाउट बेटे जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए दैट शुड बी लो. वेदर X- इफ इट इज स्मॉलर इन साइज, नो डाउट इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुड बी लो. तो आप हमेशा याद रखो, जब दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेटे हैलोजन्स क्या करते हैं, आपस में कंबाइन करेंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे, डेफिनेटली बेटे ये फोर टाइप के जो सेट ऑफ कंपाउंड वो जनरेट करेंगे उनका जो फॉर्मूला हो सकता है, दैट इज XX-3, XX-5 और XX-7. दिस फोर सेट ऑफ कंपाउंड इज कलेक्ट आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज इंट्राहैलोजन कंपाउंड्स. बेटे, अब बात करें इनके प्रिपरेशन की, बात करें तो कैसे बनते हैं. आपको बताएं बेटे कि जो हमारे इंट्राहैलोजन कंपाउंड हैं वो हैलोजन के आपस में रिएक्शन के थ्रू बनते हैं या किसी बेटे इंट्राहैलोजन कंपाउंड के दूसरे हैलोजन के साथ रिएक्शन से बनते हैं. जैसे मैं आपको दे रहा था, जैसे मान लो बेटे आपको मैं एक दो रिएक्शन के थ्रू शो करने की कोशिश कर रहा हूँ. Cl2 लिया जाए बेटे और F2 लिया जाए. बेटे दिस इज 1:1 बेटे मोलर रेशियो में लिया जाए. दिस टू आर टेकन इन 1:1 मोलर रेशियो. तो डेफिनेटली बेटे इनके थ्रू जो इंट्राहैलोजन आपको बनता है उसको आप लिखते हो Cl F. अब आप चेक करो तो जो Cl F मिला हुआ बेटे, इट इज द इंट्राहैलोजन कंपाउंड ऑफ द जनरल फार्मूला XX-. अब क्या कर दिया जाए बेटे, जो आपका Cl F है, ऐसे अगर मान लो आपसे मैंने कहा कि Cl2 और बेटे क्या करो F2 को 1:3 के बेटे मोलर रेशियो में आप ले लो, आपके पास एक कंपाउंड मिलेगा जिसको आप लिखोगे 2Cl F3. बेटे ये कंपाउंड मिला, डेफिनेटली आप कहोगे इस द इंट्राहैलोजन कंपाउंड ऑफ द फार्मूला XX-3. लाइक वाइज बेटे अगर Cl F3 को क्या करूँ मैं बेटे, इसको F2 के साथ रिएक्ट करा दूँ इन द मोलर रेशियो 1:1, तो आपके साथ बेटे Cl F5 कंपोजिशन का कंपाउंड बन जाएगा. लाइक वाइज बेटे अगर हम मान लो आपसे कह दें
कि आपके पास एक कंपाउंड है IF5 के बेटे क्या करें, F2 के साथ रिएक्शन करा दें, डेफिनेटली आपके पास कंपाउंड मिल जाएगा बेटे IF7। तो पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, तो ये जो ऑल द इंट्रा हैलोजन कंपाउंड आप देखो, इधर दीज आर ऑप्टेन थ्रू द रिएक्शन ऑफ वन हैलोजन विद अदर हैलोजन, आर दीज आर ऑप्टेन थ्रू द रिएक्शन ऑफ इंट्रा हैलोजन बेटे विद द हैलोजन, जैसे इस वाले केस में आपको दिखाई पड़ रहा है। आइए बात करें बेटे प्रॉपर्टीज की। तो पता है इंट्रा हैलोजन कंपाउंड की बेटे एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है, उसकी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, एंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये बात बड़ी ज़रूरी है कि बेटे जो इंट्रा हैलोजन कंपाउंड होते हैं वो हाइड्रोलाइज कैसे होते हैं और उनका जो हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट होता है वो क्या हो सकता है। तो बेटे देखो, जो इंट्रा हैलोजन कंपाउंड के जो हाइड्रोलिसिस बेटे सारे के सारे जो हाइड्रोलाइजेबल हैं, आपका चाहे XX- वाला हो, चाहे XX-3 वाला हो, चाहे XX-5 वाला हो, चाहे XX-7 वाला हो, सबके सब हाइड्रोलाइजेबल हैं। बेटे करना क्या है, जब आप इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराते हो तो नोट करो बेटे, जो आपका X होता है, जो X- है, मतलब जो छोटी साइज का है बेटे, जब आप क्या करोगे इस रिएक्शन में, जब आप उसकी H2O के साथ हाइड्रोलाइज कराओगे उसको बेटे, वो हाइड्रोजन हैलाइड बनाएगा। और बेटे दूसरा जो आपका X है वो बेटे वो हाइपो हैलाइड बनाएगा, इसको बोलते हैं HOX बनाएगा बेटे, वो इसको हम लोग हाइपो हैलाइड बोलते हैं बेटे, दैट इज एक जो उसका जो बेटे X- जो स्मॉलर साइज का है वो हाइड्रोलिसिस में क्या बनाता है, हाइड्रोजन हैलाइड यानी HX- बनाएगा, और जो बेटे बड़ी साइज का जो हाइड्रोजन है एक फॉर्म हियर HOX। अब आइए बात करें दूसरी सिचुएशन हम आपको दें, तो जैसे आपको बेटे हमने XX-3 दिया, अगर इसकी वाटर के साथ हम लोग रिएक्शन कराएं तो फिर करो, याद करो बेटे वही बात यहाँ पर आएगी, जो आपका छोटा जो हैलोजन बेटे है, छोटी साइज का जो हैलोजन है ये बनाएगा हाइड्रोजन हैलाइड, X- बनाएगा बेटे, और दूसरा जो होगा वो आपको बनाएगा HOXO बेटे, ये बनाएगा, इसको बैलेंस करिएगा। नाउ वी हैव बेटे XX-5 को ले लें और इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करा दें, फर्दर बेटे क्या होगा, जो छोटी साइज का हैलोजन है वो HX- बनाएगा और बेटे जो बड़ी साइज का जो हैलोजन है वो HOXO2 बनाएगा। ना बेटे अब क्या करो, जो XX-7 है इसको क्या करोगे, जब H2O के साथ आप कराओगे तो बेटे छोटी साइज का जो हैलोजन है वो HX- बनाएगा और जो बड़ी साइज का हैलोजन है वो HOXO3 बनाएगा। बेटे इसको हम लोग हाइपोहैलिक एसिड बोलते हैं, हाइपोहैलस एसिड बोलते हैं बेटे, इसको हैलस एसिड बोलते हैं, इसको हैलिक एसिड बोलते हैं, इसको पर हैलिक एसिड बोलते हैं। तो नोट करना, सारी जो रिएक्शन है उसमें XX- जो है वो उसका जो छोटा हैलोजन है हाइड्रोजन हैलाइड और हाइपोहैलस एसिड बनाता है, बड़ा हैलोजन हाइपोहैलस एसिड बनाता है। सेकेंड में XX-3 में बेटे वो क्या करता है, हाइड्रोजन हैलाइड बनाता है छोटी साइज वाला हैलोजन, बड़ी साइज का जो हैलोजन होगा वो आपको हैलस एसिड बनाता है। XX-5 में क्या होगा, जो छोटी साइज का हैलोजन है वो हाइड्रोजन हैलाइड बनाता है और बेटे बड़ी साइज का जो हैलोजन है वो हैलिक एसिड बनाता है। XX-7 में क्या होगा, छोटी साइज का जो हैलोजन है वो हाइड्रोजन हैलाइड बनाता है और बड़ी साइज का जो हैलोजन है पर हैलिक एसिड बनाता है। स्टूडेंट्स इसके बाद आइए बात करें आपसे स्ट्रक्चर की। बेटे ये चार हमने जो आपको बताए हैं XX-3 XX-5 और XX-7 बेटे, इनकी सिचुएशन आपको देता हूँ। तो इसी तरह आप हमने एग्जांपल के तौर पे ले लिया है कि CLF बेटे एज XX- लिया है, CL जो F3 है इसको XX-3 के फॉर्म में लिया है बेटे, PRF5 को XX-5 के फॉर्म में लिया है और IF7 को बेटे XX-7 के फॉर्म में लिया है। इसी से आप समझने की कोशिश करो बेटे, इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रा हैलोजन कंपाउंड यू शुड हैव द आइडिया अबाउट द बेटे दैट इज योर वेस्पर थ्योरी, बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी।
और उसमें आपको करना क्या होगा कि जो आप लिखते हो जो इंट्राहाइड्रोजन कंपाउंड है उसमें जो सेंट्रल एटम है उसके मॉर्बिडिटी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को आप कैलकुलेट करो। जब कैलकुलेशन करोगे जो आपको आइडिया दी है हमने उसका अगर आप यूज करोगे तो, और दूसरी बात बेटे थोड़ी सी बात हाइब्रिडाइजेशन की भी आप जानो। जैसे मैं आपसे बात करूं बेटे इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, CLF जो होगा दैट ऑलवेज हैव द लीनियर स्ट्रक्चर, यहाँ आपको सोचना भी नहीं क्योंकि डायटमिक मॉलिक्यूल है दैट ऑलवेज पजेस बेटे लीनियर स्ट्रक्चर। आपको सोचना है स्ट्रक्चर के बारे में बेटे इन तीन केस में, दैट इज XX-3 के केस में, XX-5 के केस में और XX-7 के केस में। अगर हम आपसे बात करें बेटे CLF3 को जैसे आपने लिया तो बताया CL के पास बेटे क्या सेंट्रल एटम है, इसके पास आपके पास देखो अगर टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, 3 आर इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, तो इसका मतलब बेटे यहाँ पर हो जाएगा 3 बॉन्ड पेयर्स। बॉन्ड पेयर्स की बात करें अगर आपसे इस केस में आप कहेंगे यहाँ 3 है, और बेटे लोन पेयर की बात करेंगे तो बेटे यहाँ 2 है, तो टोटल कितने हैं? टोटल की बात अगर आप करोगे तो आप कहोगे कि वहाँ पर टोटल जो बॉन्ड पेयर लोन पेयर मिला करके कितने हैं, 5 हैं। टोटल लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का 5 मिला करके हैं, और बेटे यहाँ बात करें तो ये हाइब्रिडाइजेशन जो यहाँ पर है वो sp3d का है, और sp3d का हाइब्रिडाइजेशन है और लोन पेयर बॉन्ड पेयर बेटे 3 और 2 के हैं, तो पक्का आप कहोगे कि सर इसके जो ज्योमेट्री होनी चाहिए वो ट्राइगोनल बायपिरामिडल होनी चाहिए, लेकिन बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटे ये जो होगा ये इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी बेटे वो टी सेप ज्योमेट्री को गेन, मतलब टी सेप स्ट्रक्चर बननी चाहिए। अगर आप देखो sp3d के जो 5 ऑर्बिटल्स होंगे बेटे इनका जो ओरिएंटेशन स्पेस में होगा ट्राइगोनल बायपिरामिडल होगा, बट इनमें बेटे क्या है जो दो लोन पेयर दो ऑर्बिटल हैं sp3d वाले वो लोन पेयर कंटेनिंग है, दैट इज वाई बेटे जो स्ट्रक्चर बनेगी ज्योमेट्री तो बेटे कैसी होगी ट्राइगोनल बायपिरामिडल, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो नहीं दैट शुड बी बेटे टी सेप ज्योमेट्री है ना बेटे। इस बेस की बात करें BRF5 की बात करें तो यहाँ आप कहोगे कि जो बॉन्ड पेयर हैं वो आपके 5 हैं बेटे, लोन पेयर यहाँ कितना 1 होगा, तो टोटल 6 हैं। तो अगर 6 हैं तो आप समझ सकते हो 6 में, और बेटे यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp3d2 का होगा, तो sp3d2 का हाइब्रिडाइजेशन होगा तो नो डाउट आप कहेंगे जो ऑर्बिटल का जो ओरिएंटेशन होना चाहिए वो स्क्वायर बायपिरामिडल होना चाहिए, लेकिन बेटे इन 7 ऑर्बिटल में जो 1 ऑर्बिटल है दैट कंटेन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए बेटे इसकी जो स्ट्रक्चर मिलेगी बेटे वो आपके स्क्वायर बायपिरामिडल ना मिलेंगे बल्कि आपके स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर आपको मिलेगी बेटे। आइए यहाँ पर बात करें IF7 की बात करें तो पता है यहाँ पर सारे के सारे बेटे जो हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो बॉन्ड पेयर हैं, 7 बॉन्ड पेयर्स हो जाएंगे, लोन पेयर की वैल्यू 0 हो जाएगी बेटे, तो इसकी ज्योमेट्री रेगुलर होगी क्योंकि एक ही तरह का बेटे इंट्रैक्शन यहाँ वर्क कर रहा है बॉन्ड पेयर, और 7 अगर यहाँ पर बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हैं तो नो डाउट, और बेटे यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कैसा है sp3d3 का है, आपके पास जो बेटे 7 आपके ऑर्बिटल मिलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल दैट ऑल कंटेन द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज वाई बेटे जो मॉलिक्युलर ज्योमेट्री होनी चाहिए दैट शुड बी पेंटागोनल बायपिरामिडल हियर। Students, using all these ideas, let us try to attempt these 3 problems. Thank you.